बैक टू द चैनल। सो सॉरी फॉर मेरे वीडियोज़ बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न। सो देर नहीं करते, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लुक नेचुरली अट्रैक्टिव। आप अट्रैक्टिव कैसे दिख सकते हो वो भी नेचुरली। सो फर्स्ट थिंग इज़ योर ड्रेसिंग सेंस। मैं ये नहीं बोल रही आप महंगे महंगे कपड़े पहनो, कपड़े नॉर्मल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। ज़्यादा हाईलाइट जो कपड़े होते हैं लाइक शादियों में जैसे हम पहनते हैं वैसे भी नहीं पहनने। आपको नॉर्मल से कपड़े पहनने हैं जैसे आप डेली मतलब डेली में ही पहनते हो। लेकिन आपको कपड़े पहनते वक्त ध्यान ये रखना है कि आपकी ड्रेस की फिटिंग बराबर हो। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है आपकी ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन, जो कि आपके ड्रेस के साथ मैचिंग हो, या फिर अगर आप कुछ प्लेन पहन रहे हो लाइक अगर लड़कों या लड़कियों की भी बात करें तो लाइक शर्ट और जीन्स भी पहन रहे हो तो कलर कॉम्बिनेशन लाइक डार्क और लाइट होना चाहिए। या फिर एक ये कलर व्हील भी आती है स्पेशली फॉर क्लोथ्स के लिए बनी हुई है, आप गूगल कर लोगे तो आपको कलर व्हील मिल जाएगी। उसमें एक साइड से जो कलर रहता है ना उसके अपोजिट साइड से जो एकदम अपोजिट साइड से जो कलर दिखता है ना आप उस कलर कॉम्बिनेशन के कपड़े पहन सकते हो। या फिर मतलब अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उससे आपको नॉलेज मिल जाएगा लाइक आपको किसके साथ कौन सा कपड़ा लाइक उसमें एक साइड से जो कलर है उसके एकदम अपोजिट साइड में व्हील में जो कलर आपको दिख रहा है उस व्हील का आपको बोल सकते हैं कि ड्रेसिंग सेंस या फिर उस कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको कपड़ा पहनना है। लाइक ऊपर अगर लाइट लगभग ऐसे ही रहता है कि ऊपर डार्क कलर रहता है नीचे लाइट, या ऊपर लाइट कलर नीचे डार्क लाइट, अपोजिट में ही कलर व्हील का यूज़ होता है लगभग। सो सिंपल सा आइडिया दे देती हूँ मैं। अगर आप ड्रेसिंग सेंस या फिर मतलब कपड़े पहन रहे हो तो लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन इज़ परफेक्ट। उसके बाद फिटिंग की बात करें तो फिट होना चाहिए। ज़्यादा फिट कपड़े भी आपको आप पे मतलब अच्छे नहीं लगते, और उसमें आप ही मतलब अट्रैक्टिव क्या, आपको खुद को ही इतना बैड फील होगा तो सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा। और ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े भी आपको अनकंफर्टेबल फील कराएंगे तो दूसरों को क्या अट्रैक्टिव फील कराएंगे। आपको कपड़े ऐसा नहीं है आपको ज़्यादा महंगे ज़्यादा सस्ते पहने, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको सही लगता है, जो आपको सही लगता है आपको वैसे कंफर्ट, क्योंकि आप खुद नेचुरली अपने आप को परफेक्ट लगोगे, अपने अपने आप को अट्रैक्टिव लगोगे ना तो दूसरों को वैसे ही अट्रैक्टिव लगने वाले हो। सेकेंड है आपकी स्माइल। आप कभी भी किसी किसी को भी कहीं देखो कहीं मिलो तो आपको एक स्माइल के साथ मिलना है, एक मीठी सी स्माइल। अगर समझो लाइक मैं ही आपसे बात करी, ओए क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, लाइक मैं आपसे ऐसे बात करूँ तो आप भी मेरे वीडियोस को देखना पसंद नहीं करोगे, लेकिन आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। क्यों? बिकॉज आपको मेरे बात करने का या फिर एक मतलब छोटा स्माइली फेस अच्छा लगता है। किसी को भी बुरा चेहरा या फिर गुस्से वाला चेहरा किसी का पसंद नहीं आता। अगर आप सामने वाला आपसे नाराज़ भी है ना या फिर वो अपनी टेंशन में है, आप उसको एक छोटी स्माइल दे तो उसने रिटर्न में आपको स्माइल नहीं दी तो मेरा नाम भी आप बदल डालना। स्माइल के साथ रहो। थर्ड थिंग आती है आपका बोलना। आपका आपके बोलने से आप में भी कॉन्फिडेंस आता है, साथ साथ सामने वालों को भी आपके बोलने से बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स काजल लगा सकती है एक सिंगल स्ट्रोक, लाइट लिपस्टिक या फिर बोल सकते हो लिप मतलब लिप टिंट आजकल कितने आ रहे हैं, लिप बाम्स आ रहे हैं लाइट कलर्स में, वो लगा सकते हैं अपने आप को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। बॉयज़ बोल सकती हूँ कि बॉयज़ कैसे हैं ना अपने मतलब काम में वो इतना बिज़ी रहते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट वो इतना बिज़ी रहते हैं तो अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते, अपनी केयर नहीं कर पाते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने तरफ ध्यान दो और हमेशा ना फ्रेश या फिर है ना ऐसे
क्या बोलते हैं, गुड लुकिंग दिखने का, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ आप मेकअप करो, दैट डजेंट मीन कि आपको मेकअप करना है, आपको मेकअप नहीं करना, बट एटलीस्ट वन से टू टाइम आप दिन में फेस वॉश कर सकते हो, तो उससे क्या है आपको फ्रेश फील होगा, आप खुद तो फ्रेश फील करोगे ही, सामने वाले को भी ऑटोमेटिक वैसे ही अट्रैक्ट दिख जाओगे। खास बात अट्रैक्टिवनेस की यही है कि जब हम खुद कॉन्फिडेंट रहते हैं, खुद को खुद अच्छा फील करते हैं, तो सामने वाले को वैसे ही अच्छे, लाइक हम शादियों में कैसे जाते हैं, दूसरे कैसे भी सज धज के आए हो, लेकिन हम अगर अपने हिसाब से अच्छे तरह से सज के ना, तो हम में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है यार, नहीं हम तो अच्छे लग रहे हैं। तो वैसी बात अट्रैक्शन की आती है, अगर आप अपने आप को अच्छे लगोगे, आप अपने आप को अट्रैक्टिव लगोगे, तो सामने वालों को डेफिनेटली डेफिनेटली ही अच्छे लगोगे, अट्रैक्टिव लगोगे। सो ये तो हो गई कॉमन थिंग्स, या फिर ये मेजर थिंग्स हो गई। अब माइनर थिंग्स आपको ध्यान रखना है, एक्सेसरीज का, लाइक लड़के वॉच पहनो, सबसे बढ़िया और स्टैंडर्ड लुक देगा लड़कों को, या फिर अगर आपको लड़कियों को अट्रैक्ट करना है तो एक वॉच पहन लो, वॉच पहनने से लड़के बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं, और मतलब आप वॉच अपने अकॉर्डिंग टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। लड़कियों के लिए बात करें तो लड़कियां ब्रेसलेट्स पहन सकती है, उनके पास भी वॉच का है, मतलब बोल सकते हैं वॉच भी एक उनके पास एग्जांपल है, वो वॉच पहन सकती है। और भी लड़कियों के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा ही वाइड रेंज है हाथ में पहनने के लिए, सो आप पहन सकते हो, बट इतना ज़्यादा ओवर में नहीं पहनना है, ताकि आप अपना अट्रैक्ट बनाने के लिए जाओ सामने वाले के पास और उसको लगे यार ये तो ओवर ही सज धज के आ गई है, सो आपका लुक बनने से पहले ही बिगड़ जाए। सो इतना ज़्यादा ओवर भी तैयार नहीं होना है। अपने शूज़, हेयर स्टाइल और बाकी सभी तरफ ध्यान दो। लाइक अभी देखो मैं अच्छी लग रही हूँ, मतलब फेस क्लीन है, ठीक है, एक्सेसरीज भी, मतलब अगर मेरी इयर रिंग्स देख लो तो छोटी पहनी हुई है, आईब्रोज वगैरह भी बने हुए, सब अच्छा है, लेकिन मैंने लिप बाम नहीं लगाया, या फिर लिप रिंग नहीं लगाया, या फिर जो भी बोलो, अगर वो लगाती थी तो मेरा लुक और खुल के आता था, या फिर जो मेरी हेयर स्टाइल है मैंने ऑयल किया हुआ है, सो पूरी समझ रहे हो ना, तो वैसी है। तो बढ़िया बाल धो के कंडीशनर वंडीशनर लगा के अच्छे से जाओ, लड़के वो अपना जो ऐसे ऐसे करके अपने बाल बनाते हैं वैसे बना के जाओ, तो आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर एक किसी को अट्रैक्ट होने का रीज़न दे सकते हो। ये सब तो हो गई, ऊपर से आपको आपका जो मतलब फुटवेयर है उसमें भी ध्यान देना है। लाइक आपने समझो कहीं आप जा रहे हो, या फिर समझो आपको मीटिंग में किसी को इम्प्रेस करना है, आपने बढ़िया से सूट बूट पहन लिया और नीचे से चप्पल पहन ली, कितना गंदा लुक देगा ना। सो आपको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए उस पर जैसे ये मतलब मुझे ज़्यादा लड़कों के एक्सेसरीज का नाम तो नहीं याद है, बट जो ब्लैक कलर के जो जूते रहते हैं वो पहन लो, बहुत ब्लैक ब्राउन कलर के बोलो, या फिर जो सूट के साथ अच्छे लगे, लाइक चप्पल तो कभी ही अच्छी नहीं लगेगी, शूज़ अच्छे, या फिर आपने ऐसे बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं शर्ट बोलते हैं कि टी शर्ट बोलते हैं, आई डोंट नो, शर्ट टी शर्ट्स पहनी हुई है और नीचे से जीन्स पहना हुआ है, तो उस पर आप चप्पल भी नहीं पहनोगे, ना ही वो शादी वाले जो जूते रहते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे क्या, आई डोंट नो, सो वो वाले जूते पहन के जाओगे तो कितने और लगोगे। सो आपको उस पर क्या सूट होगा, उस पर आपको सूट होगा मतलब स्पोर्ट्स शूज़ टाइप जो आजकल लड़के जूते पहन रहे हैं वो उस पर सूट होंगे। ऐसे ही लड़कियों को लाइक आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हो, सपोज़ आपने शॉर्ट ड्रेस पहनी है और उस पर चप्पल पहन के चलेंगे, कैसा लगेगा यार, उस पर हाई हील्स पहनो, या फिर शूज़ भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, शॉर्ट ड्रेस पे बढ़िया शूज़ लग रहे हैं। सो लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा ही नॉलेज होगी ड्रेसिंग सेंस के बारे में बोलूँ, या फिर जो भी हम लोग वियर करते हैं उसके बारे में, सो इन सब चीज़ों से आप सबको अट्रैक्ट कर सकते हो। और उसके बाद ना जो आप बोलते हो ना, मीठा बोल दिया, अच्छा बोल दिया, वो अच्छी बात है, आपका वॉइस एक लिमिटेड मतलब एक ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ओवर ज़्यादा भी नहीं है, आपका वॉइस मीडियम है, लेकिन अगर आप वहीं पे
बात तो धीरे से करो लेकिन गालियाँ दे रही, तो क्या सामने वाले को पसंद आएगा? क्या आपको लगता है आप सामने वाले को अटैक कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो सामने वाले को अटैक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उससे मतलब एकदम स्मूथली बात करो, या फिर जो आपका बात करने का टोन है, या फिर वो बोलते हैं ना क्रूल लैंग्वेज, वैसी मत यूज़ करो, एकदम सॉफ्टली स्मूथली बात करो, सो आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। सो ये वाली टिप्स तो थी, मतलब बिना आप किसी चीज़ को, या फिर ज़्यादा बोल सकती हूँ कि ज़्यादा खर्चा नहीं करके आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो ना, तो आप वैसे ही सबसे अलग, सबसे अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। सो आज का वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है लड़के और लड़कियों के लिए जो किसी को अट्रैक्ट करना चाहता है, या हर किसी के लिए जो सबसे थोड़ा अलग दिखना चाहता है, या फिर थोड़ा बोल सकते हैं लाइक वो बोलते हैं ना भीड़ के, भीड़ में नहीं दिखना चाहता, भीड़ में उस एक शख्सियत की पहचान हो, नहीं भाई ये बंदा है कुछ तो अलग दिख रहा है, तो इन सब चीज़ों से आप अलग दिखते हो। ये सब चीज़ों को फॉलो करो। आई एम 100% भी नहीं, 1000% श्योर आप सबको अट्रैक्ट कर लोगे। एक बार मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके देखो, फिर बताओ आपको मतलब जिसको भी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे थे उसको अट्रैक्ट कर पाए नहीं कर पाए। सो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे वीडियोस को लाइक शेयर नहीं किया है तो अभी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताया करो यार, या फिर कहीं कुछ कमी भी लगती है लाइक मैंने कुछ गलत बोला, कुछ मिस्टेक की, कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हो। मैं आपके सजेशंस को हमेशा पॉजिटिव वे में लेके उसको सुधारने की ही कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। सो खुद की पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट करके दूसरों को अट्रैक्ट करो, बाय बाय।